आईपीएस जिसने रची धोनी को बर्बाद करने की साजिश, और सीआईडी अफसर अब जेल की काल कोठरी में होगा बंद। 10 साल बाद सीआईडी अफसर से पूरा हो गया धोनी का इंतकाम, अब वो आईपीएस जाएगा जेल। अगर धोनी इस आईपीएस अफसर के जाल में फंस जाते तो धोनी जो आज हैं शायद नहीं होते। अगर इस सीआईडी अफसर अपने प्लान में कामयाब हो जाता तो धोनी खुद जेल की सलाखों में बंद होते। लेकिन अब 10 साल बाद ही सही धोनी का इंतकाम पूरा हो गया है, क्योंकि ये पूर्व आईपीएस अफसर अब जेल और जेल की दीवारों के अंदर से खुद को कोसेगा कि काश धोनी का नाम नहीं लिया होता तो ये हालत नहीं होती। जिस दिन का महेंद्र सिंह धोनी लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे, 10 साल बाद मद्रास हाईकोर्ट ने वो फैसला सुना दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने महेंद्र सिंह धोनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए आईपीएस अफसर जी संपत कुमार को जेल भेजने का आदेश दिया है। अब आपके मन में भी ये सवाल होगा कि आखिर इस आईपीएस और धोनी की ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जिसकी वजह से धोनी इसे जेल पहुंचाना चाहते थे। इस 2 मिनट की रिपोर्ट में हम पूरी कहानी आपको बताएंगे। कहानी की शुरुआत आज से करीब 10 साल पहले 2013 से होती है। ये वो दौर था जब पूरी दुनिया में धोनी का नाम था। धोनी की कप्तानी में भारत वर्ल्ड कप जीत चुका था। 2013 में जी संपत कुमार तमिलनाडु पुलिस के सीआईडी के ऑफिसर थे। उन्होंने 2013 आईपीएल सट्टेबाजी मामले की शुरुआती जांच की थी। इसी दौरान सट्टेबाजी के बारे में पता चला कि इसमें कई भारतीय खिलाड़ियों के नाम भी शामिल है। इसी दौरान आईपीएस जी संपत पर सट्टेबाजों को छोड़ने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगा। इसके बाद संपत को केस से हटा दिया गया। संपत ने इस केस में महेंद्र सिंह धोनी का नाम भी शामिल किया था, लेकिन धोनी से पंगा लेकर आईपीएस जी संपत ने बहुत बड़ी गलती कर दी। जी संपत को नहीं पता था कि धोनी का नाम लेने की वजह से अब उनके साथ क्या होने वाला है। धोनी ने जी संपत कुमार और एक टेलीविजन चैनल ग्रुप के खिलाफ 100 मानहानि का केस किया। महेंद्र सिंह धोनी ने संपत के खिलाफ अवमानना याचिका भी दायर की। इस याचिका में संपत की ओर से सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों का हवाला दिया गया। आईपीएस संपत कुमार ने दावा किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 आईपीएल में मैच फिक्सिंग मामले पर जस्टिस मृदुल समिति की रिपोर्ट के कुछ हिस्सों को सील बंद कवर में रखने का फैसला किया है। धोनी ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि संपत ने कहा था कि सील बंद लिफाफे को रोकने के पीछे सुप्रीम कोर्ट का एक ही मकसद था। यह पूरा मामला आईपीएल मैच फिक्सिंग से जुड़ा हुआ है। महेंद्र सिंह धोनी पर आरोप लगा कि वो मैच फिक्सिंग में शामिल है। इस आईपीएस संपत का सबसे बड़ा योगदान था। अगर धोनी आरोपी पाए जाते तो उनका पूरा कैरियर बर्बाद हो जाता। लेकिन धोनी गलत नहीं थे और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया था कि वो 2013 में आईपीएल मैचों की सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग में शामिल थे। धोनी के नाम 3 आईसीसी ट्रॉफी, 2007 टी20 वर्ल्ड कप, 2011 वर्ल्ड कप और 2013 चैंपियन ट्रॉफी शामिल है। ऐसा करने वाले धोनी इकलौते कप्तान है। इसके साथ धोनी के नाम 5 आईपीएल ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड है। धोनी 7 टेस्ट और 200 वनडे और 72 टी20 मुकाबलों में विकेट कीपिंग करने वाले इकलौते कप्तान है। अलग अलग फॉर्मेट में उनके नाम में रिकॉर्ड है। आईपीएस संपत कुमार के आरोपों में अगर धोनी फंसते तो कभी भी ये कुछ नहीं कर पाते। अब मद्रास हाईकोर्ट ने महेंद्र सिंह धोनी की याचिका पर रिटायर्ड अफसर जी संपत कुमार को कैद की सजा सुनाई है। धोनी के खिलाफ साजिश रचने वाले इस सीआईडी ऑफिसर को जेल की सलाखों में बंद किया जाएगा। अब ये पूर्व आईपीएस अफसर पछता रहा होगा कि काश धोनी का नाम मैच फिक्सिंग में नहीं लिया होता तो अच्छा होता। धोनी ने जिस तरह से इस अफसर को जेल तक पहुंचाया, हर तरफ उनकी तारीफ हो रही है। लेकिन इसे लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा और खबर को शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।